बांग्लादेश में कोलकाता में इतनी बड़ी घटना हुई, लगातार इंटरनेशनल संस्थाएं उसका विरोध कर रही हैं, क्या कारण है समाजवादी पार्टी असर के? देखिए ये इंटरनेशनल मामले हैं, जहां तक इसकी बात है इसमें तो सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार ने क्या जवाब दिए, क्या संतोषजनक जवाब दिए हैं, लोगों की क्या मदद हो रही है, बांग्लादेश से लेके वेस्ट बंगाल की जो इश्यूज हैं क्या उनको एड्रेस किया जा रहा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, क्या इन इश्यूज को एड्रेस कर पाए, ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने चाहिए। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी आज विपक्ष में, हम लोग जो सरकार गलती कर रही है या कहीं पीछे छूट रही है उनको उठा सकते हैं, बाकी उन लोगों की सहायता क्या सरकार कर सकती है ये तो सरकार स्वयं ही बताएगी। माफ कीजिएगा, हाथरस की जो घटना थी उसे किस नजर से देखते हैं? देखिए हाथरस की जो घटना हुई थी निश्चित तौर पे सरकार की और प्रशासन की तरफ से ये लापरवाही थी। जब आपको पता था कि इतने बड़े नंबर्स के अंदर हुजूम एक आने वाला है तो प्रशासन को तैयारी करनी चाहिए थी कि अगर मान लीजिए कहीं भी भगदड़ होती है, स्टैम्पिड होती है, ऐसी आशंकाएं होती हैं तो उसमें प्रदेश उसको कंट्रोल कर सके, कहीं भी कंट्रोल नहीं कर पाई। निश्चित तौर पर मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार की और प्रशासन की इसमें कुर्ताई रही। सारे डॉक्टर हड़ताल पर हैं। देखिए कोलकाता को लेकर जो सभी डॉक्टर्स इस समय हड़ताल पर हैं, मैं ये कह सकता हूं कि ये बहुत ही भयावह घटना थी। सरकार को इसके ऊपर राजनीति करने से अच्छा है कि दोषियों को सजा मिले और एक शांति का माहौल बन सके प्रदेश के अंदर, देश के अंदर इसका प्रयास करना चाहिए। जो आग वेस्ट बंगाल से लगी थी वो आज पूरे देश में आ रही है, इसको अगर कंट्रोल समय रहते कर सकती है तो सरकार कर सकती है, सरकार इसका संज्ञान ले और निश्चित तौर पे डॉक्टर्स की जो मांग है उन मांगों को सुना जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। व्यक्तिगत रूप से आपकी प्रतिक्रिया जानने चाहे तो क्या? व्यक्तिगत रूप से मेरी ये प्रक्रिया यही है कि भयावह घटना थी, निश्चित तौर पे जो केंद्र सरकार है आज इसको दोष मलने का काम कर रही है, वहीं उसको प्रयास करना चाहिए जो पीछे छूटे परिजन हैं, जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो उनके कलीग्स हैं, उनके अंदर किस तरीके से विश्वास बन सके, किस तरीके से एक शांति का माहौल हो सके, जहां पे आप ये देख सकते हैं कि लगातार लोगों को उकसाया जा रहा है आपस में लड़ाई लड़ाने का प्रयास। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।